किस करवट बैठेगी कोई नहीं जानता। पिछले चार दिनों से बिहार की राजनीति में बड़ी ही तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। पहले दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की, फिर उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि जेडीयू के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब नहीं सूझ रहा, लेकिन सवाल है कि क्या जेडीयू टूट के कगार पर है? क्या बिहार में बड़ा खेला होने वाला है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के दावे से बीजेपी गदगद है। बीजेपी कुशवाहा के दावे को और पुख्ता करते हुए कह रही है कि हाँ, जेडीयू के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तीर के दिल में खिल रहा कमल, बाग बाग हो रही बीजेपी, सीएम को नहीं सूझ रहा जवाब। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान ने बिहार की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि जेडीयू के कई बड़े नेता, ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बीजेपी के संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज्यादा संपर्क में है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान से जेडीयू असहज है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक उपेंद्र कुशवाहा के दावे पर हक्के बक्के नजर आए। मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, उन्हीं से पूछिए वही जवाब देंगे। कुशवाहा जी ने कहा कि हमारी पार्टी आप उन्हीं से पूछ लीजिए। सर, ये बयान का क्या मतलब निकाला जाए? सर, ये ना आप उन्हीं से पूछिए। सर, इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? लोग इन सब चीजों पर कुछ देखते नहीं है। उन्हीं से पूछिए और उन्हीं का छाप जो मत करे उनको छाप। इधर बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के बयान से बाग बाग हो रही है, फूले नहीं समा रही। पूर्व डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद भी दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। जेडीयू दिशा विहीन हो गई है। पहले भी कहा था कि जनता दल यूनाइटेड के कई नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, और श्री उपेंद्र कुशवाहा जब स्वयं जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उस हैसियत से उन्होंने यह बात कही है, तो यह बात काफ़ी गंभीरता से है और स्वाभाविक तौर पर है, जिसकी जनता दल यूनाइटेड अब दिशा विहीन हो चुकी है। हालांकि महागठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है। मंत्री श्रवण कुमार की दलील है, जिसको जहां जाना है जा सकते हैं। चलता रहता है नेताओं के बारे में, चलता रहता है, कोई उस दल में जाने की बात है, कुछ उस दल में, जो चलता रहता है उस पर टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? जब तक जिनको जहाँ इच्छा है वहाँ रहते हैं, जहाँ इच्छा खत्म हो जाती है वो चले जाते हैं। जब चुनाव में ठीक है, हर राजनीतिक दल अपना अपना बातें करती है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है, जो भी जिस पार्टी का लोग जीतता है, सभी जनता उसका है, चाहे किसी को वोट दिया हो। इसलिए मेरा मानना है कि मिलना जुलना से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग गठबंधन मजबूत है और एक साथ मिलकर बिहार का विकास करेंगे। पहले आरजेडी जेडीयू में शीत युद्ध, और अब जेडीयू के नेताओं के बीजेपी से संपर्क में होने के कुशवाहा का दावा बिहार में कुछ बड़े सियासी उथल की ओर इशारा कर रही है। देखना होगा इन सब बयानबाजी का क्या अंजाम होता है। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।